एक और बड़ी खबर, देश में कोरोना का महाविस्फोट हुआ है, वर्ल्ड रिकॉर्ड टूट गया है। पहली बार कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 लाख को क्रॉस कर गया है। देश में 24 घंटे में 3,15,552 नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 2,101 लोगों की मौत हुई है, यह भी अपने आप में रिकॉर्ड आंकड़ा है। अब तक 1,59,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए। महाराष्ट्र, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में हालात बेहद खराब है। और इसीलिए एक बड़ी खबर, ऑक्सीजन संकट पर सरकार का बड़ा एक्शन। ऑक्सीजन की इंडस्ट्रियल सप्लाई पर रोक लगाई गई। बड़ी खबर, उद्योगों के लिए ऑक्सीजन की सप्लाई पर आज से ही रोक। बड़ी खबर, अगले आदेश तक किसी इंडस्ट्री के लिए ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जाएगी। बहुत बड़ी खबर आ रही है, मैं आपको रोकूंगा। और ये खबर आ रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ी हुई। ऑक्सीजन संकट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में आ गए हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा के सीएम से बात की है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी सीएम मनोहर लाल खट्टर से बात की है। और क्योंकि ये जानकारी आ रही है कि हरियाणा से काफी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो ऑक्सीजन की आपूर्ति को लेकर ये चर्चा हुई है। देखिए, यही हम कह रहे हैं कि कोशिशें हो रही हैं, हर तरफ से हो रही हैं। लगता ऐसा है कि कोशिशें थोड़ी देर से हुई, पहले होती तो शायद संकट इतना बड़ा ना हो। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा था, बड़ी खबर, कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुओ मोटो लेते हुए उन्होंने हाईकोर्ट की याचिकाओं को अपने पास ट्रांसफर कर लिया है। कोरोना पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को एक नोटिस जारी किया है और 4 मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही है। ऑक्सीजन, दवाएं, वैक्सीनेशन और मेहनत, इन 4 चीजों पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। इस बीच एक और चौंकाने वाली खबर, हरियाणा से ही जिंद में वैक्सीन चोरी हो गई है। जिंद के अस्पताल में 1700 से ज्यादा वैक्सीन की डोज चोरी कर ली गई और चोरों ने स्टोर रूम का ताला तोड़कर केवल और केवल वैक्सीन चुराई। कोई दूसरी दवा नहीं, कोई दूसरी चीज नहीं, केवल वैक्सीन चुरा कर ले गए 1700 डोज वैक्सीन की चोर। ये हरियाणा के जींद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो भारत में कोरोना का वर्ल्ड रिकॉर्ड आप जरा देखिए, 21 अप्रैल 2021 यानी कि आज की जो तारीख है, बीते 24 घंटे में 3,15,552 केस सामने आए।